एक और नया अवसर, एक और नया महीना, आप सभी तक निरंकारी परिवार के भक्ति और सामाजिक योगदान के सिलसिले को शब्दों और वीडियोस के माध्यम से पहुंचाने का। न्यूज डिवाइन की इस दिव्य यात्रा में मैं रहूंगा आपके साथ राकेश। नमस्कार, धन निरंकार। फ्रेंड्स, इन द मंथ ऑफ जून 2014 ऑल्सो मेनी सोशल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज टुक प्लेस ऑल अक्रॉस द ग्लोब बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी एंड टीचिंग्स ऑफ हिज होलीनेस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। We shall take a look at them through various sections of News Divine. First, the headlines. Bliss in Basuri. Mission Overseas. SNCF Diary. And other news. और अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, निरंकारी राजमाता जी व पूज्य माता जी हर वर्ष जून के महीने में मसूरी में आए भक्तों को निहाल करते हैं। मसूरी में जहां एक ओर आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है, वहीं गुरुदेव के विशेष आशीर्वाद पाकर श्रद्धालु भक्त रोमांचित हो उठते हैं। आइए देखें इस रिपोर्ट की नजर से। हर वर्ष मई और जून के महीने में मसूरी की वादियों में जहां एक ओर कुदरत की खूबसूरती का एक अनोखा रूप देखने को मिलता है, वहीं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी व निरंकारी मातृ शक्तियों की मौजूदगी में एक पवित्र आध्यात्मिक आभा का भी अनुभव होता है। इस वर्ष भी त्रिवेणी ने इस पर्वतीय पर्यटन स्थल पर आए अनेक भक्तों को अपने दर्शनों से तृप्त किया। कभी सत्संग के माध्यम से, कभी नमस्कार का अवसर प्रदान करके और कभी पिकनिक के रूप में आशीर्वाद प्रदान करके। हजारों की संख्या में देश के विभिन्न भागों से भक्त मसूरी पहुंचे। भवन पर हर प्रकार की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियंत्रित व संचालित करने का कार्य निरंकारी सेवा दल के सेवादारों ने संपूर्ण निष्काम भाव से किया। शहर के स्थानीय अधिकारियों के अनुरोध पर निरंकारी सेवादार मसूरी के एंट्री व एग्जिट पॉइंट्स पर ट्रैफिक भी कंट्रोल करते रहे। मसूरी आए श्रद्धालुगण भक्ति के भाव से अभिभूत दिखाई दिए। आइए सुनते हैं उनमें से कुछ के अनुभव। यहाँ पे आके हमारे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो बाबा जी की रहमत थी, एक महापुरुषों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और दूसरी बात जो यहाँ आनंद मिला कहीं फॉरेन कंट्री में भी नहीं मिला। बहुत ज़्यादा मन को खुशी मिल रही है हमारे को यहाँ पे आके। जब कुदरत को बनाने वाला कादर खुद कुदरत के बीच में खड़ा हो तो कुदरत के नज़ारे और भी बेहतरीन हो जाते हैं। ये पेड़ जो कभी शायद दूर के बिना देखे तो सूखे सूखे लगे और अब हरे भरे लगते हैं। इस यात्रा के दौरान सदगुरु बाबा जी ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी रहमतें बरसाई। गढ़वाल के कई शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु भक्तों ने देहरादून पहुंचकर गुरुदेव के मुखारविंद से आने वाले आशीष वचनों का लाभ प्राप्त किया। अक्सर औरों का मूल्यांकन करने में इंसान जोर तो लगाता है, या फिर एक सांसारिक दुनियावी एक मूल्यांकन या एनालिसिस करता रहता है, लेकिन कभी अपनी अवस्था का, अपनी भावना का कभी भी मूल्यांकन नहीं कर पाता है। उसकी तरफ इसका ध्यान जाता नहीं है, और वाकई इसीलिए भक्तों महापुरुषों ने औरों से ज़्यादा अपनी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया है। तो महापुरुषों का मतलब, अपनी तरफ ध्यान देने का मतलब यही था, भाव यही था कि हम अपना मूल्यांकन करें कि हमारी सोच किस तरफ है, हमारी भावना कैसी है, हमारी दृष्टि कैसी है। From the heavenly section of bliss in Basuri, it is time to move on to the next section, which is mission overseas. The chain of efforts and contributions being made by the volunteers of the mission all across the globe continued with more enthusiasm and faith. Let us take a deeper insight. A Sufi music evening was organized on the 14th of June in the city of Mantova, Italy, for the first time. On Saturday, 21st June 2014, a charity car wash and a summer fun fair took place at the Center for Oneness in Yorkshire.
The event was organized by the S&M Yorkshire Volunteers. Members of Leicester's interfaith group, including amongst others the Christian Aware and members of the Baha'i faith, revisited Sant Nirankari Satsang Bhavan, the Leicester Centre for Oneness, on 9th of June 2014. Leicester City Council expressed his and the whole group's gratitude to the mission for their hospitality, as well as noting the huge strides that the mission is making in bringing all communities closer. Its work in environmental sustainability, street cleaning and other welfare activities. The first UK National Sevadal Adhikari camp was held in the West Midlands Bhavan on Saturday, 14th June 2014. It was the first camp of its kind held in the United Kingdom. Every Sevadal Adhikari travelled from across the country in order to attend. The camp was extremely uplifting. All members were given a key information pack with regards to Sevadal duties, and a code of conduct was given to all members. A spiritual samagam for women was organized on 7th of June in Washington, D.C., where the importance of gender inclusion in social and spiritual spheres was emphasized. After this section on international news, let us see the part being played by the mission towards its social responsibilities. But before we move to the next section, let us take a short break. Hello. Hey Hardik, what's so amusing on the net? Hey, मैं kids.nirankari.org पर stories पढ़ रहा हूँ. kids.nirankari.org वो क्या है? बताओ, इन्हें kids.nirankari.org के बारे में ही नहीं पता. अरे kids.nirankari.org पर बाबूजी ने हमें बहुत सारे gifts दिए हैं. जैसे? Poetries, stories, quiz, games. और बाबा जी ने ब्लेसिंग्स भी दी हैं, मतलब कि हम बच्चों के लिए स्पिरिचुअल ड्रीमलैंड। ये! Fountain of Oneness, the light and sound show. Dekhne ke liye padhare Nirankari Sarovar Complex. Every Friday, Saturday and Sunday, 7 and 7:30 p.m. News Divine ke darshakon ka punah swagat. Desh videsh ki khabron ke baad ab samay hai Nirankari Mission ke samaj seva se jude pehlu par nazar dalne ka, section SNCF diary mein. Aaiye dekhen ye report. संत निरंकारी मंडल की सहयोगी संस्था संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ों की रानी मसूरी में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ पूज्य माता सविंदर कौर जी और श्री मनमोहन मल चेयरमैन मसूरी नगर पालिका परिषद ने किया। रैली टिहरी बस स्टेशन से शुरू हुई और शहर के अनेक स्थानों से होती हुई लगभग 4 किलोमीटर लंबी यात्रा तय कर पर्यावरण सभा माल रोड स्थित गढ़वाल टेरेस पर एक सेमिनार के रूप में परिवर्तित हो गई, जिसकी अध्यक्षता सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने की। इस जन जागरण रैली से जो संदेश गया कि कैसे अपने आप को बचाना है, अगर पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। इस अवसर पर सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, पहले भी यहाँ मसूरी में ऐसे आयोजन हुए, ITBP का भी साथ में सहयोग रहा और भी यहाँ पर अथॉरिटीज के सहयोग रहे, और इस प्रकार से आज हम ये रूप देख रहे हैं। एक अवेयरनेस के लिहाज से, एक जागृति के लिहाज से ऐसे एक दिवस मनाए जाते हैं, तो इसलिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर के ऊपर
जहां पर इस तरफ ध्यान दिलाया जा रहा है, वहां पर जो मिशन जिसकी तरफ योगदान मुख्य रूप में दे रहा है कि हमारा आंतरिक प्रदूषण जो है, हमारा जो इंटरनल प्रदूषण है, हमारे ख्याल, हमारी सोच, हमारी भावनाओं को जो प्रदूषित हो चुकी हैं, जहां पर वह ईर्ष्या नफरत की भावनाओं की गंदगी से हम युक्त हैं, तो इस प्रदूषण को दूर करना है और हमने प्रेम मिलवर्तन स्नेह इन भावनाओं से युक्त होना है, निष्काम सेवा करने का जज्बा रखना है। समारोह के बाद मसूरी के अलग अलग हिस्सों में सफाई का व्यापक अभियान चलाया गया जिसकी सब ओर सराहना हुई। स्वच्छ रहेगा शहर, रहेंगे स्वस्थ सभी, हम जागेंगे जागेगा ये देश तभी। स्वच्छ रहेगा शहर, रहेंगे स्वस्थ सभी, हम जागेंगे जागेगा ये देश तभी। मिशन मेरे ने ये है ठाना, प्रदूषण से सबको बचाना। मिशन मेरे ने ये है ठाना, आओ कदम बढ़ाएं, धरती पर हरियाली लाकर खुशहाली फैलाएं, धरती पर हरियाली लाकर खुशहाली फैलाएं। आओ रे साथी, आओ रे भाई। 16 जून को संत निरंकारी पब्लिक स्कूल तिलक नगर में निरंकारी वोकेशनल सेंटर का शुभारंभ बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने किया। इस अवसर पर ट्रेनीज के अलावा ट्रेनर्स, राजनेता, समाज सेवक तथा पत्रकार सज्जन भी उपस्थित थे। द सीरीज ऑफ ब्लड डोनेशन कैंप्स कंटिन्यूड विद द वॉलंटियर्स एंड मेंबर्स ऑफ द मिशन कमिंग फॉरवर्ड फॉर द नोबल कॉज इन वेरियस सिटीज लाइक मिचीवारा, राजगढ़, नोहार, होशियारपुर, अम्बाला, भोपाल, सिक्किम, अकोला, गोधरा एंड जारथंग एक्सेट्रा। सिमिलर कैंप्स वर ऑल्सो हेल्ड एट नेपोली इन इटली एंड एडिलेड इन ऑस्ट्रेलिया अलॉन्ग विद वेरियस अदर सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अ स्पेशल रिकॉग्निशन वॉज कन्फर्ड अपॉन द संत निरंकारी मिशन ऑन द 14th जून 2014 बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एड्स कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एट अ स्पेशल फैसिलिटेशन सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे। द मिशन वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स कंटिन्यूअस कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द ब्लड डोनेशन। SNCF डायरी से आगे बढ़ने से पूर्व लेते हैं एक अल्प विराम, शीघ्र हाजिर होंगे अन्य समाचारों के साथ। Nirankarji, I'm Teresa from New York. Are you a member of the Nirankari Mission? Do you know everything there is to know about the mission? No? Then log on to the Nirankari website at www.nirankari.org. There's history, ideology, discourses of Babaji, Raj Mataji, Baba Gurbachan Singhji, live samagams, news, videos, and in the multimedia section, Radio Voice Divine, devotional songs, and much, much more. And there is a separate website for kids at Spiritual Dreamland for Kids at kids.nirankari.org. I'm very happy to see the website and listen to the radio, so don't forget to log on at www.nirankari.org. Fountain of Oneness, the light and sound show. देखने के लिए पधारें निरंकारी सरोवर कॉम्प्लेक्स एवरी फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे 7 and 7:30 PM। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, न्यूज डिवाइन के अंतिम पड़ाव में जाने से पूर्व हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ट्विटर और चैट एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप और BBM, आपसे अनुरोध है कि आप इनका बहुत ही विवेकपूर्ण प्रयोग करें। प्लीज टेक केयर नॉट टू अपलोड एनी ऑब्जेक्शनेबल और पर्सनल पिक्चर्स और वीडियोस ऑन दी सोशल मीडियाज। थैंक यू सो मच। और अब समय है अन्य समाचारों की ओर रुख करने का। मिशन के प्रचार विभाग द्वारा अंग्रेजी मीडियम सत्संग का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया गया। इसी प्रकार बाल समागमों की भी झड़ी लगी रही, जिनमें बैरागढ़, टीटागढ़, चंडीगढ़, भिवानी, कानपुर, मंडी गोविंदगढ़ व नजफगढ़ आदि रहे। अ वर्कशॉप ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ संत निरंकारी मिशन फॉर बाल संगत वॉज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन लुधियाना ऑन द 7th ऑफ जून 2014।
The subjects covered in the workshop were Ideology of Sant Nirankari Mission, Life and History of Baba Bhuta Singh Ji, Information on Working of Sant Nirankari Mandal at Center and Local Levels. भारत के नवस्थापित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न मंत्रियों से संत निरंकारी मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने एक भेंट की व अपनी शुभकामनाएं दी। इन सभी मंत्रियों ने मिशन के द्वारा समाज कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। जहां संत निरंकारी मिशन के सेवादार प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता से योगदान दे रहे हैं, वहीं निरंकारी प्रदर्शनी द्वारा भी मिशन का प्रचार जगह जगह पर किया जा रहा है। निरंकारी प्रदर्शनी वर्षों बरस से हम समागमों पर लगा रहे हैं, चाहे वो प्रांतीय समागम है, नेशनल समागम है, इंटरनेशनल समागम है, लेकिन उसके अलावा भी समागमों के हम कई जगह पर हिंदुस्तान के एरिए के अंदर एग्जीबिशन लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी का जो मकसद है वो मानव को मानव के करीब लाने के लिए इसका लक्ष्य है, और इसके द्वारा हम मानव मात्र के अंदर जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। निरंकारी मिशन 84 वर्षों से देश विदेश में जो कार्य कर रहा है, वही हम सब कुछ चित्रों के माध्यम द्वारा लोगों के मनों में निरंकारी मिशन की छवि बसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये प्रदर्शनी उदयपुर राजस्थान में 9 मई से 12 मई तक लगाई, और उसी के बाद हमने 24 मई से 27 मई तक धनबाद के अंदर लगाई, और फिर उसके इसी लड़ी में उसके बाद 30 मई से लेकर 2 जून तक मुजफ्फरपुर में लगाई, और उसके बाद 5 जून से लेकर 9 जून तक हमने बर्दवान बंगाल के अंदर ये प्रदर्शनी लगाई, जहां पर हजारों हजारों का परिवार हर प्रदर्शनी में आया। वहां के धार्मिक लोग, बुद्धिजीवी लोग, बिजनेसमैन लोग, स्कूल के बच्चे, क्रिश्चियन मुसलमान भाई भी वहां पर प्रदर्शनी देख रहे हैं। आप स्वयं ये चित्रों द्वारा इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और किस तरह उन लोगों ने मिशन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की कि ये वाकई एक ऐसा फरिश्ता है, ऐसा मुर्शद है जो मानव को सही जिंदगी जीने का रास्ता बताने का प्रयास कर रहा है। Another exhibition of pictures and photographs was organized from 28th June to 5th of July at Lodha World Towers in Mumbai with the theme of oneness. The photographs by Renuka Nirankari depicted the essence and importance of love, brotherhood, tolerance and peace in the world. इस महीने प्रचार विभाग द्वारा कई शहरों में प्रचारक प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। दोस्तों, न्यूज डिवाइन के इस एडिशन के माध्यम से निरंकारी मिशन का जून महीने का समाचार विस्तार आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। आप अपने विचार व सुझाव हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, newsdivine@nirankari.org। अगले महीने की खबरों का गुलदस्ता सजाकर हम फिर से हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक दीजिए इजाजत अपने मित्र राकेश को। नमस्कार, धन निरंकार।